जानवरों का शौक है और हमारे पास कुरखबा भी है। किस इलाके में? सरगोधा रोड फैसलाबाद में। फैसलाबाद। अच्छा, तो आप ने ये मुर्गा काश किया जानवरों के लिए? जानवरों के लिए। कितना आपके पास मुर्गा लगा हुआ है? तकरीबन 10 एकड़। 10 एकड़ लगा हुआ है आपने? अच्छा, और जानवर कितने आपके पास? जानवर तकरीबन कोई 24। 24 जानवर। 10 एकड़ में मुर्गा लगाया हुआ है? आप दरख्त लगाए हुए हैं? दरख्त लगाए हुए हैं, एकड़ रकबा है। मुर्गा सब सिर्फ 3-4 एकड़ में लगा हुआ। 3-4 एकड़ में लगा हुआ। अच्छा, जानवर को कैसे डालते हैं आप? ताजा पत्ते डाल देते हैं? ताजा पत्ते डाल देते हैं। तो जानवर खा लेते हैं? जानवर खा, मिक्स करके देते हैं? मिक्स करके देते हैं। रोजाना एक जानवर को कितने को पत्ते दे देते हैं आप? तकरीबन एक जानवर अंदाजा तकरीबन कोई 4-5 किलो। 4-5 किलो। अच्छा, दूध से कितना फर्क पड़ा आपको? तकरीबन 40% पड़ा। 40%, यानी मतलब कि एक जानवर से आप पहले कितना दूध देते थे, अब कितना दूध है? जो जानवर दे रहा था हमारा दूध तकरीबन कोई 20 किलो 22 किलो, उसका 3-4 से 5 किलो, मतलब 25-26 तक उनका पहुंच गया। जी। अच्छा, तो जानवरों की सेहत के ऊपर भी फर्क पड़ा है? जी, जानवर की सेहत में फर्क पड़ा है। जानवर पहले से ज्यादा हेल्दी हो गया और दूध बढ़ रहा है। दूध का जायके का भी फर्क पड़ा है? दूध के जायके का भी फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आपने मुर्गा के जो पत्तों का पाउडर बना के भी जानवरों को दिया या ताजा ही दिया है? नहीं, ताजा दिया है, पाउडर बाद में थोड़ा सा दिया था किसी जगह से मंगवा के, वो भी बेस्ट है। यानी पाउडर का जो पाउडर कितना दिया था, 100 ग्राम या ज्यादा? तकरीबन 100 ग्राम, 100-150। आधा को पाव के करीब दिया है तकरीबन। तो वो वंडे के ऊपर डाल के, वंडे के ऊपर जैसे वो डालते हैं ना, वो मंगनी वगैरह उसमें डाल के दिया। तो जानवर वो भी खा लेते हैं? वो भी खा लेते हैं। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि आपका आपने खुद पाउडर बनाना है? जी। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि ज़्यादा महंगा नहीं, एक आपको अगर पत्ते खुश करने का एक यूनिट आप एक बनवा लेना। जी, जी। तो उसमें फिर ये होगा ना, धूप में पत्ते खुश करेंगे ना तो वो खराब हो सकते हैं, फंगस लग सकता है, जानवर बीमार हो सकते हैं। जी, जी। तो एक आपको यूनिट जो है ना वो हम सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर अजहर साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे, वो आपको बना देंगे आपकी जरूरत के मुताबिक। उसमें से पत्ते रोजाना काट के ड्राई करते जाए, जितने ताजा खिलाने ताजा खिलाते जाए, बाकी जो बचते हैं वो खुश करते जाए, खुश करके उन्हें पैक करके रखते जाए और रोजाना फिर 100-150-200 ग्राम जानवर को देते जाए। इसका बेहतरीन तरीका यही। थैंक यू।